काजल देवगन को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि इन दिनों अपनी तीसरी प्रेगनेंसी को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि काजल अभी कुछ दिन पहले ही बर्थडे पार्टी में हमें देखने को मिली थी, जहां पर इनका बेबी बम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और जहां पर आप दर्शकों को यह बात कन्फर्म हो गई थी कि काजल देवगन प्रेगनेंट है और जहाँ पर आप दर्शकों को यह बात कन्फर्म हो गई थी कि काजल देवगन प्रेग्नेंट है। तो वहीं आपको बता दें कि जब से यह बात इनकी सौतन को पता चली है, तब से उन्होंने एक अलग ही रिएक्शन दिया है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आखिरकार काजल की सौतन ने क्या रिएक्शन दिया है और इनकी सौतन है कौन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की चुलबुली अदाकारा काजल की सौतन की बात करें तो आपको बता दें कि इनकी सौतन कोई और नहीं बल्कि रवीना टंडन है, क्योंकि एक समय पर रवीना और अजय देवगन का लव अफेयर चर्चे में था और जोरों शोरों से। तो वहीं अजय देवगन ने रवीना को धोखा देकर काजल से शादी रचा ली थी, इसलिए काजल की सौतन कही जाती है रवीना टंडन। वही हम आपको बता दें कि काजल का बेबी बम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जब से दर्शकों को पता चला है तब से दर्शक काफी खुश हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रवीना ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि तुम तीसरी बार माँ बनने जा रही हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बेटी एकदम जवान हो गई है और तुम अब माँ बन रही हो, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती। अगर तुम्हारी बेटी छोटी होती तो कोई बात नहीं थी, अब तुम्हारी बेटी शादी करने के लायक है और तुम बच्चे पैदा कर रही हो। जब से यह बात काजल को पता चली है तब से काजल इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और वह रवीना को काफी भला बुरा भी कह चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रवीना टंडन को यूं काजल को ताने मारने चाहिए या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।